हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडिया टू अबू धाबी ट्रैवल रिलेटेड एक अपडेट शेयर करूंगा। दोस्तों, दो दिन पहले एक घोषणा हुआ था, इंडियन नेशनल्स अबू धाबी विजिट कर सकते हैं, मतलब अबू धाबी जा सकते हैं विजिट वीज़ा पे, और उनको ऑन अराइवल वीज़ा भी मिलेगा। लेकिन उन सब इंडियन नेशनल्स को मिलेगा जिनके पास यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन का वीज़ा और रेसिडेंट परमिट है, तो वो लोग इंडिया का किसी भी स्टेट से अबू धाबी विजिट कर सकते हैं और ऑन अराइवल वीज़ा भी मिलेगा। लेकिन अबू धाबी सिर्फ 14 दिन के लिए विजिट कर पाएंगे, मतलब 14 दिन अबू धाबी में रह सकते हैं। लेकिन आज एथियाड एयरवेज के तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा टेम्पोरली सस्पेंडेड, मतलब अभी इंडियंस को ऑन अराइवल अबू धाबी का वीज़ा नहीं मिलेगा। आपके पास यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन का वीज़ा है, रेसिडेंट परमिट है, तब भी आपको अबू धाबी का ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा, मतलब आप इंडिया से विजिट नहीं कर सकते अबू धाबी। आज एथियाड ने कंफर्म किया है, अभी ये एथियाड ने घोषणा किया कि टेम्पोरली सस्पेंडेड, मतलब अभी आप किसी भी सिचुएशन में अबू धाबी इंडिया से विजिट नहीं कर सकते। और खलीज टाइम पेपर में भी इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो उस न्यूज़ का लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप सारा डिटेल रीड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।